और आज का वीडियो देखो मैं कब स्टार्ट कर रहा हूँ, दोपहर के लगभग 2 बजे। चलो कोई नहीं, जल्दी से पहले वीडियो अपलोड कर लेते हैं। चलो ये वीडियो अभी अपलोड हो रहा है यहाँ पे मेरा, यहाँ पे दिखा रहा है 3 मिनट लगेगा अपलोड होने में। और ये मेरा लंच भी आ गया। तो हाँ जी, अभी मैं कुछ दिनों से लंच में फ्रूट्स खा रहा हूँ। अगर आप मुझे पिछले 2 या 3 दिनों से फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा हेवी कर लेता हूँ और लंच एकदम हल्का ट्राई करता हूँ करने का। फिलहाल यहाँ पे अपलोड हो रहा है, तब तक इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। बाय द वे, गुड आफ्टरनून एवरीवन, और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। अभी मुझे थोड़ी देर बाद कहीं निकलना भी है, अभी नहीं, थोड़े शाम को निकलूंगा मैं। ये वीडियो अपलोड होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लूंगा मैं, उसके बाद ही कहीं निकलूंगा। फिलहाल अभी इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, और अभी तक मैं नहाया भी नहीं हूँ। तो ये सब करने के बाद सबसे पहले तो नहाने के लिए जाऊंगा, बस यही सब, ऐसे ही दिन चलेगा हमारा। ऑलराइट, तो अभी मैं हो गया हूँ रेडी। अभी हम लोग जा रहे हैं कैफे। बहुत दिन हो गया था कहीं बाहर कोई कैफे या फिर रेस्टोरेंट में गया हुआ है। बहुत दिन। वैसे पता है मेरे को अभी फ्रूट वगैरह खाने का पता नहीं क्यों इतने दिन से बहुत मन कर रहा है। अभी कहीं भी कुछ घर में फ्रूट रह रहा है ना, तो मैं खा ले रहा हूँ। और मैं काफी सारा फोटोज वगैरह देखता हूँ, लाइक इफ्तार जो पार्टी होता है उसमें भी काफी सारा फ्रूट्स वगैरह काट कर रखा रहता है। तो यार हमें भी कोई इन्वाइट करो यार अपने इफ्तार में, तो हम भी लोग खा लेंगे बैठ के। क्या बाबा, एकदम अलग से ब्लॉग ही बना देना इफ्तार कैसे होता है। हाँ, अगर कोई है तो इन्वाइट कर दो यार, आ जाएंगे आपके घर में इफ्तार मनाने के लिए। बाकी बस रेडी हो गए, मैं हूँ, पापा इधर है, और अभी अभिषेक दा भी आने वाला है। तो देखो एक ही बार वो आता है तो फिर निकलते हैं फटाफट यहाँ से। और अभिषेक दा कैसे हो? भालो, तुम्हें भालो? है भालो, सबरे भालो। तो और एक का प्लान, टायर पट्टी अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या है सीन अंदर का। बाय द वे ये जो है एलगिन रोड है। Alright, तो अभी हम लोग टायर पट्टी के अंदर आ गए हैं। ये म्यूजिक हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, इतना चलेगा। नहीं तो अगर हम लोग के लिए म्यूजिक बंद कर देगा तो अंदर का वो पूरा खत्म हो जाएगा। और अंदर आते ही पूरा वो हुक्का का अलग अलग फ्लेवर एकदम नाकों में घुस जाएगा। लेकिन अपने को हुक्का चलता नहीं है, ना ही अभिषेक का भी हुक्का पसंद नहीं है, पापा दादा को भी हुक्का चलता नहीं है। तो ले लो ले लो, तो इसलिए हम लोग तो लेंगे नहीं। हम लोग खाने पीने के लिए आए, साथ में टाइम स्पेंड किए हुए भी बहुत दिन हो गया था। तो अभी बैठे हैं, देखते हैं कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं, मेन्यू भी आपको दिखाते हैं क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं। अंदर का कुछ ये वाइब्स है, सामने ही मैच चल रहा है यहाँ पे। और ये रहा है यहाँ का मेन्यू, काफ़ी कुछ दिख रहा है, देखते हैं क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं। वैसे वीडियो को आप लोग पॉज करके देख सकते हो, बहुत कुछ है यार, सिजलर वगैरह काफ़ी कुछ है। मेरे को आज सैलेड खाने का भी बहुत मन है, इसमें से कुछ ऑर्डर करूंगा मैं। पहले वेज था ना, था। अच्छा अभी नॉन वेज ऐड किया। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा ऑप्शन कैसे हो गया। तो अंदर में कार्ड गेम वगैरह भी है, आप ये भी खेल सकते हो, यू नो ना। ये देख लो, ये आ गया है हमारा सबसे पहले स्टार्टर्स, चिकन आई लाइक यू। भाई नाम एकदम अलग सा है इसका, तो वैसे तो इसका नाम है चिकन आई लाइक यू। वैसे ये जरूर बताना कि आप लोग मेरे वीडियो को कितना लाइक करते हो, कमेंट करके जरूर बताना। चलो पहले लेते हैं प्लेट में। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो यार, एक मैं, पापा दा और अभिषेक दा। चलो देखते हैं ट्राई करके कैसा है ये। चिकन आई लाइक यू वाकई में बहुत अच्छा है यार, मस्त लगा। कैसा है पापा दा, क्यों लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ये। पहला वाला जो हम लोगों ने स्टार्टर ट्राई किया ना, वो एक नंबर था। और अभी आ गया है ये हमारा दूसरा स्टार्टर, ये हमारा एनर्जी ड्रिंक भी आ गया रेड बुल। ये जो प्रॉन्स का जो भी आइटम है ना, ये मस्त लग रहा है। चलो भैया चीयर्स। बहुत बड़ा साइज है। अच्छा वो हम लोगों ने एक ही ऑर्डर किया, अगर दो तीन कर लेते ना खा नहीं पाते हम लोग। तो यहाँ पे एक और मॉकटेल आ गया है, लाइम हेवन गार्डन। तो यहाँ पे एक तो था, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है। आज पूरा एकदम जम के पार्टी हो रहा है, लेकिन वो वाला ट्रैवल प्लान मिस नहीं होना चाहिए, पक्का। तो
चलो ऑल राइट। तो अभी हम लोग फाइनली मेन कोर्स में आ चुके हैं। ये हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे चाइनीज सिजलर बोल दिया है और देखकर तो भैया बहुत ही सही लग रहा है। इसको एक काम करते हैं, जल्दी से टेस्ट करते हैं और बता देंगे आपको कि कैसा लगा हमें ये। फ्राइड राइस बहुत अच्छा है। भाई यहाँ पे सिजलर में तो वैसे बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन ये हम लोगों ने जो चूज किया है ना, ये शेफ स्पेशल है, कस्टमाइज करके वो बना कर देंगे। वाकई में बहुत सही है। ये जो फ्राइड राइस है ना इसका और इसका जो ग्रेवी है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, डेडली कॉम्बिनेशन है। तो इतना देर से मैंने अभी तक जितना भी इनका आइटम सब दिखाया ना, मैक्सिमम नॉन वेज आइटम सभी दिखाया। और ये जो अभी आया है ना, ये थ्रेडेड पनीर है। मैंने इनको बोला भैया कुछ वेज में अच्छा रिकमेंड करो, आप में से काफी लोग कंप्लेंट करते हैं मोहित भाई कभी आप वेज दिखाते ही नहीं हो। तो ये देखकर भी काफी सही लग रहा है। जैसा कि ये देखकर लग रहा है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। ये सबसे भी ज़्यादा अच्छा आइटम इनका जो भी नॉन वेज आइटम मैंने अभी तक ट्राई करा वो सारा का सारा ही बेस्ट है। ये मैं बोलूँगा एवरेज लगा मुझे। अच्छा मोहित, हम लोग यहाँ पे आके वो पिज्ज़ा ट्राई किया था ना एक बार, वो कैसा लगा था? अरे वो एक नंबर पिज्ज़ा था। इस बार वो प्लान था मतलब ऑर्डर करने का, कर सकते हैं वो आप सिर्फ स्पेशल पिज्ज़ा भी ले सकते हो, लेकिन हम लोगों ने इस बार नहीं लिया। फिलहाल यहाँ पे जब भी आते हो ना, यहाँ का एक थिन क्रस्ट पिज्ज़ा होता है भाई, वो पिज्ज़ा एक नंबर। जब भी आओगे एक बार ट्राई करना। बाकी यहाँ का चिकन अला की वेज जो है और वो जो प्रॉन्स वाला आइटम हम लोगों ने लिया था, चिली प्रॉन्स टाइप, वो ट्राई करके देखना भाई, मज़ा आ जाएगा। और ये ठीक है, पनीर देख लेना वेज में और क्या क्या ऑप्शन है। ये मेरे को लाइक एवरेज लगा, बाकी जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो मैंने आपको रिकमेंड किया। ऑल राइट, तो अभी हम लोग आ गए इनके एक्वा सेक्शन में, जो कि मेरा फेवरेट सेक्शन है। ये सीट मतलब खाली होने का मैं वेट कर रहा था, जैसे ही खाली हुआ हम लोग बोले चलो भागते हैं यहीं पे। ये जो सिटिंग एरिया है ना, ये अल्टीमेट है। ये पापा था, ये सबसे अच्छा है एकदम बैठने के लिए, सबसे बेस्ट। सारा खाना पीना ट्राई करके हम लोग थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आ गए इधर। और एक चीज है भाई, यहाँ से जो फोटोज आ रहा है ना, ये जो बैकग्राउंड है ना, अरे हम तो पूरा काला हो गया, ऐसे काला है और भी काला हो गया है। ये जो फ्रेम है ना, एक नंबर फ्रेम है। ये जो जगह है ना, पूरा इंस्टाग्राम फोटो का जगह भाई, इतना अच्छा फोटो आ रहा है। तो जो वीडियो इतना अच्छा आ रहा है, फोटो हम इतना, मेरा तो इतना ग्लैमर नहीं है, चक चक क्यों कर रहा है। ऑल राइट, तो अभी देख लो रात का हुआ है 9:41 और अभी हम लोग वहाँ से निकल गए चाय पीने के लिए। हाँ जी, हम लोग जितना भी अच्छा खाना खा ले, चाय पीने के लिए एक ब्रेक तो बनता है क्या भाई? बहुत चाय तो कंपलसरी है पीने लगे। वैसे वहाँ पे हम लोगों ने काफी कुछ खाया, काफी कुछ मतलब काफी कुछ। जो सबसे पहले हम लोगों ने एक खाया ना, चिकन आई लाइक यू, एक्चुअली वो चिकन आई लाइक यू नहीं था, वो चिकन अलग की था। जो वहाँ पे हमें सर्व करने के लिए आए थे ना, उन्होंने चिकन आई लाइक यू बोला, तो मुझे लगा होगा कुछ यूनिक डिश, इसलिए आई लाइक यू नाम है उसका, लेकिन वो आई लाइक यू नहीं था, चिकन अलग की था। और उसके बाद आया था टॉमयम प्रॉन्स, वो तो भैया एक नंबर था भैया, आ गया प्रॉन्स का। और ड्रिंक वहाँ पे टोटल तीन ड्रिंक हम लोगों ने लिया था, एक फ्रूट मॉकटेल था, एक लाइम हेवन गार्डन था एंड तीसरा एक ब्राउनी शेक भी था। तो तीनों का तीनों ड्रिंक मैं बोलूंगा काफी अच्छा था। लास्ट में जो हम लोगों ने लिया था ना थ्रेडेड पनीर, वो थोड़ा मुझे एवरेज सा लगा। बाकी उसके अलावा जो हम लोगों ने टायर पट्टी सेफ स्पेशल चाइनीज सिजलर लिया था ना, वो काफी सही था। नूडल्स थोड़ा मतलब ठीक ठाक सा लगा, बाकी सब कुछ एक नंबर था। खाना वहाँ पे नो डाउट है, खाना था लेकिन खाना बहुत ठीक है। लेकिन हम एक बात बोलना चाहेंगे, यहाँ पे हर कोई आदमी चाहता है थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा फन टाइप का करे बिना चीनी। थैंक यू। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जगह है, और एक तो है अगर कोई पार्टनर के साथ जा रहा है तो वो सबसे बेस्ट, स्पेशली वो एक्वा वाला, एक्वा वाला वो सबसे बेस्ट सिपर्सन है, वो सिपर्ड है जगह, इसलिए बैठ के खुद बात भी कर सकता है। हम लोग देख रहे थे वहाँ पे काफी लोग बैठ के हुक्का वगैरह भी ले रहे थे, इसलिए हम लोगों ने ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। काफी सारे फ्रेंड्स ग्रुप सब रहते हैं ना वहाँ पे, तो इसलिए वीडियो करना अंदर में थोड़ा सही भी नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने पूरा दिखाया नहीं। लेकिन अंदर आप जाओगे ना, वहाँ का अलग ही वाइब्स। बाकी फिलहाल यहाँ पे आ गया है मेरा चाय, मैं चाय को एंजॉय करते हैं। और एक बात है, अगर मैं इनके लोकेशन की बात करूँ ना टायर पट्टी का, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा टायर पट्टी का, आप लोग जा सकते हो डायरेक्टली। एक नंबर कैफे है, मजा आता है मेरे को। अगर कोलकाता में आप मुझसे पूछोगे ना कोई अच्छा कैफे, टायर पट्टी आप जाओ एक बार, समझ जाओगे। और वो एक्वा वाले जगह में भी जाकर बैठे भैया, हाय कर दीजिए भैया। चीयर्स। कैसा लगा? चाय वगैरह पीना तो हो गया है हमारा, अभी देख लो रात का 10 बजने वाला है और हम लोग इतने देर से कैब बुक करने का ट्राई कर रहे हैं, अभी तक हो नहीं रहा है भाई। अभी समझ में आता है बाइक कार खुद का होना कितना जरूरी है, सच बता रहा है। तो देख लो अभी हम दोनों फोन से अभी कोशिश किए जा रहे हैं बुकिंग करने के लिए, अभी रात का 10 बज चुका है, अभी तक बुकिंग हुआ नहीं है कम्प्लीट।
भाई बड़ा दिक्कत है यार, बड़ा दिक्कत है। आने का टाइम में तो और ज्यादा लोचा हुआ था, वो कैंसिल कर दिया था, आधा घंटा से खड़े थे हम लोग, कैंसिल कर दिया बिना फोन के। क्या यार अभी भी तो ऐसे ही हो रहा है मेरे को, ये तीसरा नंबर ये उबर वाला है भैया, तीन बार बिना पूछे भाई कैंसिल कर दिया। भाई पूछो तो कम से कम कहाँ जाना है। फाइनली अभी कैंसिल हो गया। वो बोला अभी, वो बोला बात हुआ ना, वो बोला आप आ रहे हैं कि नहीं बता दीजिए या फिर कैंसिल कर रहे हैं। फाइनली हम लोग का पीला टैक्सी काम आया, चलो बेटा इधर जाओ। अपना अपना पीला टैक्सी जिंदाबाद, अपना लिमोजिन जिंदाबाद जिंदाबाद है। देखो वो सारा टैक्सी में बेल्ट, पहले बोलता है बेल्ट, पीला टैक्सी में कोई बेल्ट का सीन नहीं है, खर्चा नहीं उठता। क्या फिर से बुकिंग हुआ क्या? अरे नहीं, वो कैंसिल भी नहीं किया, बोला मेरा मोदी अली का ये होम लोकेशन है, मोदी अली का होम लोकेशन है, उसको भेज रहा है। Born in the city, I was raised on its edges. My pop worth is life when it's complex. If I'm loving its center, if I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24/7. I love the people. This is city. I met all my best friends, and I wanna thank every break. I wanna thank every entrance to every building that I step in this city of mine. Oh, you most.